कौमी शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा अते भाई सुखदेव सिंह सुखा की निघी याद विच गुरद्वारा झंडे बुंगे विखे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरमत समागम करवाया गया, जिस विच पंथ दी महान शख्सियतां ने हाजरी भरी। श्री अखंड पाठ साहिब के भोग उपरंत हजूरी रागी जथे ने शब्द कीर्तन राही हाजर संगतां नूं गुरु चरणां नाल जुड़िया। अरदास उपरंत सिंह साहिब ज्ञानी राजदीप सिंह ग्रंथी श्री दरबार साहिब और ज्ञानी मलकीत सिंह मुख ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहिब वालों शहीद परिवारों नूं सरूपा भेट करके सन्मानित किया गया। इस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सकत्र प्रताप सिंह ने कहा कि शहीद कौम के सरमाए हुंदे हन ते उन्हां सिख कौम नूं इकट्ठे होण दी अपील की। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सबसक्राइब करो अजीत वैब टीवी अते ताज़ी खबरां दी नोटिफिकेशन पाउण दे लई बैल आइकन ते क्लिक करो। वाहेगुरु जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाडे खेत। ऐसे सूरवी योधे भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा जिन्हों का शहीद दिहाड़ा अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सचखंड श्री हरिमंदर साहब अते संगत सहयोग में मनाया गया। इस संबंध परसों रोज तो अखंड पाठ साहब आरंभ किए गए सन, जिन्हों के भोग अज झंडे बोंगे विखे पाए गए हैं। अज उन्हों का शहीदी दिहाड़ा मनाया गया। हर साल इन्हों का शहीदी दिहाड़ा मनाया जाता। मैं संगतों को बेनती करदा कि इस तरह ही इन्हों के शहीदी दिहाड़े मनाए जाने चाहिए आ, क्योंकि जे शहीदां दे दिहाड़े मनावांगे तां ही जिहड़ा वो साडी आने वाली पीढ़ी पता लगेगा कि साडे इन्होंने शहीदां ने की कुरबानी की सी। मैं संगत नूं बेनती करांगा, खास करके सिख कौम नूं बेनती करांगा कि अज सानू इकट्ठे होण दी लोड़ आ। जे इकट्ठे होवांगे तां ही इन्हां चुनौतियों का सामना कर सकांगे। मैं समुची सिख कौम नूं बेनती करदा कि श्री अकाल तख्त साहिब दी छत्र छाया हेठ एक मुठ होवो ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।